विदिशा जिले के गुलाबगंज तहसील के ओला प्रभावित गांवों में यहां पर सीएम शिवराज पहुंचे हैं और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया है। इस दौरान सीएम शिवराज ने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है, मुलाकात की है किसानों से, यहां पर बातचीत की है, सरकार किसानों के साथ है ये कहा है। तस्वीर देखिए आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज पहुंचे विदिशा सीएम शिवराज सिंह चौहान, यहां पर किसानों से मुलाकात की है, उनके नुकसान को लेकर उनसे बातचीत की गई। ओलावृष्टि किसानों के बीच पहुंचे आज सीएम शिवराज सिंह चौहान। तोला पीड़ित यहां पर किसानों से मुलाकात की, देखिए तस्वीर विदिशा से सामने आई। गुलाबगंज तहसील के गांवों का यहां पर दौरा किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। प्रभावित किसानों को यहां पर आश्वस्त किया कि उनकी समस्या को लेकर सरकार काफी गंभीर है और इसी के साथ यहां पर किसानों से उनकी हर संभव मदद का भी आश्वासन देते हुए सर्वे को भी यहां पर देखिए अधिकारियों को पूरा करने के निर्देश वो दे चुके हैं। पहले ही यहां पर ओलावृष्टि किसानों के बीच पहुंचे सीएम शिवराज। मैंने पहले ही फसल का जो नुकसान हुआ है उसके सर्वे के आदेश दे दिए हैं। यहां विदिशा जिले के कलेक्टर, भोपाल संभाग के कमिश्नर, बाकी अधिकारीगण हैं और मेरे ये निर्देश सभी जिलों को चले गए हैं। हर खेत में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप सब जानते हैं, क्योंकि हजारों हजार किसानों का नुकसान हुआ है। अब ये सर्वे होगा, कई जगह सर्वे चल रहा है, ईमानदारी से सर्वे होगा। कोई किसान ये चिंता ना करे कि मेरी अगर नुकसान हुआ तो फसल का सर्वे नहीं होगा। जहां फसल का नुकसान हुआ है हर खेत का सर्वे किया जाएगा, केवल एक विभाग नहीं करेगा, सर्वे तीन विभाग मिलकर करेंगे। एक राजस्व विभाग जिसका ये काम है, दूसरे राजस्व विभाग के साथ साथ पंचायत विभाग के कर्मचारी भी रहे और पंचायत विभाग के साथ साथ कृषि विभाग के कर्मचारी भी रहेंगे। उनके साथ हमारे जनप्रतिनिधि रहे और संयुक्त सर्वे इसलिए कि कहीं कोई बेईमानी भी ना हो और कोई उंगली भी ना उठे। और सर्वे में जिस नुकसान का आकलन होगा उसको हम पंचायत भवन में चिपकाएंगे। और नुकसान केवल फसलों का नहीं, फसलों के अलावा भी अगर कोई नुकसान हुआ है, कुछ जगह मुझे पता चला है पशु की हानि हुई है, भैंस गाय वगैरह, तो पहले 30,000 रुपया देते थे, भगवान न करे हुई तो 37,500 रुपया देंगे। भेड़ बकरी अगर कहीं मरी है, कुछ जगह ऐसा हुआ है तो 4,000 रुपया देंगे। बछड़ा बछिया अगर मरे हो तो 20,000 रुपया देंगे। मुर्गा मुर्गी मरे होंगे तो 100 रुपया प्रति मुर्गा मुर्गी देंगे। फिर मकानों में भी अगर कोई नुकसान पहुंचा हो तो मकानों में भी नुकसान की भरपाई करेंगे। तो कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे कि जिसकी भरपाई ना की जाए, जिसमें राहत की राशि ना दी जाए और जिन किसानों की फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है उनकी कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी। कर्ज वसूली स्थगित करके कर्जे का ब्याज भी मामा ही भरवाएगा और अगली फसल के लिए 0% ब्याज पे फिर से आपको कर्जा दिलवाने का काम करेगा। परेशानी है लेकिन चिंता मत करना, अगर बिटिया की शादी थी और फसल नष्ट हो गई हो तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 56,000 रुपए की सहायता भी बिटिया की शादी में दी जाएगी।